स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल इंडस्ट्रियल गुरु पे। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं बेलोज के बारे में। दोस्तों बेलोज भी एक तरीके का प्रेशर सेंसिंग एलिमेंट है, ये भी प्रेशर सिग्नल को डिस्प्लेसमेंट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आज हम ये देखेंगे कि ये बेलोज कैसे काम कर रहा होता है और बेलोज को किस तरीके के प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों बेलोज का इस्तेमाल लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि किस तरीके के प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम लोग बेलोज का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है, ये डायग्राम आप स्कीमेटिक डायग्राम है बेलोज का, इससे मैं ये समझा पाऊंगा आपको कि बेलोज कैसे काम कर रहा होता है। दोस्तों जैसे जैसे मैं प्रेशर को इनपुट दूंगा लेफ्ट साइड से, तो ये जो हमारा बेलोज है ये राइट साइड में मूव करने की टेंड करेगा, मतलब कोशिश करेगा। लेकिन ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं ये मेटालिक ट्यूब है और ये स्प्रिंगली नेचर का है, तो क्या होता है कि जैसे ही हमारा ये जो बेलोज है ये राइट साइड मूव करने की कोशिश करेगा, तो ये जो स्प्रिंग है वो इसको लेफ्ट साइड मूव करने एक बैकवर्ड फोर्स एग्जर्ट करेगा इस बेलोज पे। तो एज अ रिजल्ट हमारा जो बेलोज है वो एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों, ये ही कैलिब्रेट किया गया है प्रेशर के टर्म्स में। तो ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनपुट प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक बात है दोस्तों कि ये जो प्रेशर है वो अगर मैं ज़्यादा कर दूँ, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कम प्रेशर है, तो हमारा ये जो स्प्रिंग है वो बैकवर्ड फोर्स दे पा रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन अगर हमारा जो प्रेशर है वो अगर ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा हो जाएगा तो ये अपना स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंगली नेचर को खो देगा। आप देखते होंगे कि स्प्रिंग में जो टेंशन अगर ज़्यादा कर दो, तो फिर एक ऐसे पॉइंट पे हमारा स्प्रिंग फिर से बाउंस बैक करना छोड़ देता है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रेशर कर दूंगा तो ये अपने नेचर को भूल जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो मतलब बेलोज हमारा एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हम लोग ये जो बेलोज है इसका इस्तेमाल लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए कर रहे होते हैं। होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।